नबी को हटा दीजिए, साथ में उन सबों को मिला दीजिए। हस्मती उनको देवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। हेलो, हाँ कौन बोल रहे भाई? आप कौन बोल रहे भाई? भाई मैं जमशेद अली कादरी बनता हूँ। अच्छा हाँ बताइए। आपने फोन किया ना? हाँ हमने फोन किया था, हम वो सुन रहे थे उस पे यूट्यूब पे वो आपका मुनाजरा हो रहा था ना इस नंबर पे तारिया मदन से। हाँ तो वही हम पूछताछ करने के लिए फोन। तो कारी अहमद हसन साहब ने मुझको जब अमरोहा बुलाया तब से वो फरार क्यों है, मेरा नंबर ब्लॉक करके फरार है? हाँ आपकी बात ही नहीं हुई है। बात क्या हो, तो गाली बकते हैं, बात तो करता ही नहीं वो आदमी। माँ बहन की गालियां बकता है सीधा, मेरी आवाज सुनते ही गालियां बकना शुरू कर देता है वो। नहीं आपकी हमने अभी रिकॉर्डिंग सुनी है तो आप वो आपने पुरानी सुनी है, सुनो मेरी बात, वो आपने पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है। आपने मतलब कहा था कि अब अबू बकर मुश्किल कुशा है तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कुरान और हदीस से ये बात। किसने बोला वहां पे कि मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ? तो उनमें रिपोर्टिंग में साफ जाहिर हो रहा है बातों से। मैंने ये जुमले तो बोले ही नहीं कि अबू बकर मुश्किल कुशा है, ये जुमले बोले मैंने उसमें बोले। अच्छा चलो मान लिया मैंने बोले हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मुश्किल कुशा नहीं है। मुश्किल कुशा नहीं है, है तो फिर साबित तो करो ना। कुरान में आपने आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी जब तुम अपने यार के साथ गार में थे तो अल्लाह की मदद आई, तो ये बताइए यार किसको कहते हैं? मुश्किल कुशा होगा इनसे नहीं, यार किसको कहते हैं? आप गलत बोल रहे हैं, मैंने पूछा यार किसको कहते हैं? हुजूर के जो यार है वो कौन है? हुजूर के जो यार है वो कौन है? तो आप उसमें तो ये बात आपने अभी मैंने आपसे क्या पूछा, हुजूर के जो यार है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद हदीस मौजूद है कि मैंने हर सहाबी की, सुनो पहले हर सहाबी की, हर सहाबी की, हर सहाबी तो बात कर लेंगे आप। मैंने उनके पीर से बात की है, मैंने उनके मुफ्ती से बात की है जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली, जिसको तालीम हासिल कराई है तुम्हारे कारी अहमद हसन को। रुक जा एक मिनट होल्ड रहना। अच्छा गाली बकेगा तो? हेलो ओ भैया, हेलो हेलो लाइन ही पे है, लेने दो अभी देखो ना वो खुद ही डालियां बकेगा बिना फालतू। हाँ कर लीजिए जरा तो बात इनसे जरा। हेलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद अली कादरी है, मैं वही कादरी हूँ जिसको आपने अमरोहा बुला करके मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया था। तुम्हारे गान मारी थी तीन लड़कों ने, तुम्हारी सूझ गई थी, तुम्हारी थी तुम्हारी गान तीन लड़कों ने तुम्हारी गान मारी थी, हो गया भाई तुम्हारी गान सूझ गई थी, तुम भाग गए पता हो गया ना शाहविलात की तरफ बागों में जंगल में, बस होगी तेरी औकात यही है। और दूसरों को चैलेंज कर रहा हूँ, दिन भी तू बता तारीख भी तू बता, तेरे सामने बैठ के बात करूंगा अमरोहा में आके। मैं फिर तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, जिस मौजू पे तेरी सबसे ज्यादा महारत हासिल है उसी मौजू पे बात करूंगा, ये मेरा चैलेंज है तुझे, जिंदगी भर रहेगा तू हमेशा बोलेगा मुझसे गालियां बकेगा, मेरी आवाज सुनते ही गालियां बकेगा, तेरी यही औकात है। और तेरे जितने चेले चापर है उनको भी मेरा चैलेंज है, अगर एक बार की तुम हलाली हो आधा घंटा, लेकिन तेरी औकात इतनी है क्योंकि तेरी माँ जिना से पैदा किया ना, तेरी जिना की ऐसी जिसने काफिर मुर्तद जानने में लांति खबीस मर्दों अहमद रजा तेरी माँ छोड़ दी सारे के माँ छोड़ दी उसकी गाँव मार दी, अभी बात करेगा किसी मौजू पर, सुफियान की माँ छोड़ दी, किसी मौजू पर बात करेगा अभी, यजीद की माँ छोड़ दी, किसी मौजू पर हलाली जन्म दिया है, किसी मौजू पर की माँ छोड़ दी, सुवर साले मार करेगा आरामजादे काफी लानती बहन तेरी माँ की छूत में लेने वाला भी काट उसका।
देखिए सामी निगराम, ये है इन मौलाइयों की औकात। अब आपने सुनी लिया होगा कि नाम सुनते इनको कैसे हैबतारी होती है ना। अब ये चेले चापड़ कहते हैं तुम बात नहीं कर पाते हो, तुम लेके हम लेकर के आ रहे हैं और हम इनको सीना ठोक के कहते हैं हबीस को बोलो पहले तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से हटाए। ठीक, दूसरी चीज ये है कि मेरा नाम सुनते ही इनके अंदर ऐसी बौखलाहट तारी होती है, ऐसी बौखलाहट तारी होती है कि आपने सुनी लिया होगा, बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये इन मौलाइयों की औकात है हराम खोरों की। इस रिकॉर्डिंग को आप शेयर करें, देखें इनकी औकात, दिखाएं लोगों को, दुआ में याद रखें। पर्सन यू आर स्पीकिंग विद, हेलो, अरे बात करो, अरे बात करो, संभल के एक बार में। नहीं नहीं, इसकी औकात ही यही है, जमशेद अली कादरी का नाम सुनते इसके अंदर घबराहट तारी हो जाती है। ऐसे गाली बात से, ऐसे गाली बात से तुम बात कराने लाए हो मुझे? क्या बात करूं इस गाली बात से मैं? अरे सुनो, नहीं नहीं, तुमने कहा था कि मैं बात करा रहा हूँ हजरत से, ये ऐसे गाली बात को तुमने अपना हजरत बना के रखा है? अरे भाई बात करो, अरे हमारे, अबे क्या बात करूं, जाहिल के बच्चे वो गालियां बक रहे हैं, तू सारे पागल है क्या? है तेरी माँ की चूत तेरी, तू भी उसी में से है साले हराम को सुवर की औलाद, अभी इसके बच्चे। ये तुम लोग की औकात साली यही है, यही तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया, क्योंकि तुम्हारी माँ बाप ने जीना से पैदा किया ना, पड़ोस में गई तेरी माँ कर दी खता और तू हो गया माँ चोर दी बरेली की, माँ छोड़ो साल की और साल की और माँ छोड़ो इसकी भोसड़ी की बात कर। एक पादरी की साली औलाद है कारी अहमद हसन, तो दिन भी बता दे तारीख भी बता दे, भगवान हाजिर हो जाएगा सामने। तो मेरे चेहरे से गाली सुन, मेरा चेला तेरी माँ छोड़ेगा देखा? हाँ तो तेरा चेला भाई, तेरा चेला है ना, इसकी माँ के ऊपर तू चढ़ा था, ये पैदा हुआ माँ छोड़ेगा ना, मैंने तेरी माँ छोड़ना सिखाया, पैदा हुआ ये हरामी का बच्चा ये थी साले खबीसो शैतानो मर्दूदो सुवर जन्म चूतिया साला भाग साले रख फोन साले है जम से काट दो इसका फोन साले आराम कर। हेलो, इनके औकात से बात करेंगे, ठीक है, ये बात करेंगे गाली बात।